हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट जो है एसडीओ लेवल से अनुमंडल लेवल से आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस होती है, कैसे जो है आप आवेदन करेंगे और उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, कैसे जो है हम ओबीसी सर्टिफिकेट या ईबीसी सर्टिफिकेट जो है अनुमंडल लेवल से एसडीओ लेवल से बना पाएंगे। तो देखिए, उसको बनाने के लिए पहले आपको जो है ब्लॉक लेवल से जो है आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आप जो है अनुमंडल लेवल से उसको बनवा सकते हैं, एसडीओ लेवल से बना सकते हैं। तो पहले आपको जो है उसके लिए जो भी है, आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है आपको प्रखंड लेवल से उसके लिए जाति आवासीय आय पहले बनानी होती है, उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए जो है ब्लॉक लेवल से। उसके बाद बनने के बाद जो है फिर हम दोबारा जो है अप्लाई करते हैं अनुमंडल लेवल से एसडीओ लेवल से ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है अनुमंडल लेवल से बनाने के लिए क्या कारण होता है, तो देखिए जो हमें ब्लॉक लेवल से जो बनता है वो हमें स्टेट में ही वैलिड की जाती है, सिर्फ स्टेट लेवल पे वो वैलिड होती है प्रखंड लेवल की। तो अगर आप सेंट्रल लेवल पे जो है उसको यूज करना चाहते हैं तो आपको जो है एसडीओ लेवल जो है अनुमंडल जो है एसडीओ लेवल अनुमंडल से जो बनती है उसकी जरूरत पड़ती है ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके लिए हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उसको चलिए पूरी प्रोसेस बताते हैं कि कैसे जो है आप उसको आवेदन ऑनलाइन करेंगे। तो देखिए, इसका जो मेन वेबसाइट है वो है serviceonlinebihar.gov.in, उस पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है, लॉगिन के लिए आगे बढ़े यहाँ पे करना है। देखिए, इसके कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे इसमें लॉगिन करके हम यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं जाति आवासीय आय ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ब्लॉक लेवल पे, इसका हमारा जो प्लेलिस्ट है वो आरटीपीएस के नाम पे बना हुआ है, वहां पे आप पूरे वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे जाति आवासीय आय अप्लाई करना है, आप ब्लॉक लेवल से जो है जाति आवासीय आय या अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम इस प्रोसेस में बताएंगे कि आप जो है एसडीओ लेवल से आप कैसे जो है ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो देखिए, ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यहाँ पे हमारा यूजर आईडी है और यहाँ पे गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जो है हमारा मेल आईडी पे यहाँ पे जनरेट होगा, वो ओटीपी यहाँ पे सिंपली सबमिट करने होते हैं। देखिए, ओटीपी आ गया, ओटीपी यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दी गई है इसको फिल कर लेंगे और लॉगिन बटन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, सेव हो गया पासवर्ड। अब देखिए, अप्लाई करने के लिए देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पे आपको आना पड़ेगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज बटन पे आपको क्लिक करनी है। देखिए यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपको करना है देखिए यहाँ पे चौथे पेज में आना है, चौथे पेज में आपको यहाँ पे मिलेंगी, देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आरओ लेवल से, तो हमें एसडीओ लेवल से बनाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, इश्यूज ऑफ नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एट एसडीओ लेवल, जो है अनुमंडल लेवल के लिए आपको एसडीओ लेवल पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए नया इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको पूछेगा पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर, देखिए यहाँ पे राजस्व अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट नंबर इशूड फ्रॉम आरओ लेवल, तो देखिए आपको एसडीओ लेवल से बनाने के लिए जो है आरओ लेवल से आपको ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली सर्टिफिकेट नंबर इंटर करते हैं और अप्लीकेंट का नाम जो है यहाँ पे हम टाइप करते हैं और सिंपली गेट डिटेल बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कैंडिडेट का पूरा नाम, फादर नेम, जन्म तिथि, उनका पूरा एड्रेस, पूरी जो डिटेल्स है यहाँ पे पूरी आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आ गई, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, कौन सा कास्ट है आपका, पूरी किस पर्पस के लिए आपने आवेदन किया है, पूरी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वार्षिक आय, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। सिंपली आपको नीचे आकर आई एग्री बटन पे क्लिक करना है और सिंपली जो कैप्चा दी गई हैं उसको यहाँ पे टाइप करके सिंपली प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक
क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे देखिए अटैच एन लेक्चर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है पहले का जो आरओ लेवल का जो है प्रखंड लेवल का जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वो यहाँ पे अटैच करना है। जैसे आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको स्कैन करके सिंपली उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्कैन करके रखा है, इसको ले लिए और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना है, इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक आईडी कार्ड आप दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड दे देते हैं, आधार कार्ड ले लिया, यहाँ पे अटैच कर दिया और सिंपली सेव एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देनी है। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे अटैच हो गए आधार कार्ड और जो है प्रखंड लेवल का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो था वो अटैच हो चुका है। सिंपली आपको सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आगे का इंटरफेस यहाँ पे क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा आवेदन जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है जनरेट हो गया है। यहाँ पे देखिए आवेदन संख्या आ गया, पूरा कैंडिडेट का नाम आ गया, पूरी डिटेल्स आ गया। तो ये हमारा जो है आवेदन जो है ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है डीओ लेवल के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये हमें जो है 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाएंगे, इसे 10 दिन के अंदर ही मिल जाती है। देखिए आपको सेवा प्रदान करने की जो तिथि है 2 जून 2022 को जो है 21 कार्य दिवस के अंतर्गत जो है हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है अनुमंडल लेवल से एसडीओ लेवल से बनके तैयार हो जाएंगी। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलती है आप उसको डाउनलोड सिंपली, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं, वहां पे आप जाके जो है आवेदन संख्या डाल के नाम डाल के सिंपली जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये होती है दोस्तों पूरी प्रोसेस जो हमने इस वीडियो में बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि एसडीओ लेवल अनुमंडल लेवल से हमारा जो है जाति बनाना चाहते हैं या आय बनाना चाहते हैं या ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको प्रखंड लेवल से वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उसके बाद सिंपली आप उसको अप्लाई करके जो है आवेदन कर सकते हैं और वो आपको जो है 20 से 21 दिन के अंतर्गत जो है सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है, जहां से आप ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।